आशु बेटा पॉकेट। हाँ मम्मी। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन? ओरियो। पॉकेट देख हमसे ओरियो मिलने आया है। जाकर उससे मिल। ओरियो आजा। ये ओरियो भी ना कभी नहीं सुधरने वाला। मेरी क्यूटी पॉकेट। अरे टीटू का शीरो। तू भी उसे देख रहा है पक्का। तुझे उसे देखकर ना ओरियो की याद आ रही होगी। पॉकेट ओरियो पता नहीं कितना बड़ा हो गया होगा। जितनी याद तुझे उसकी आती है उतनी मुझे भी उसकी आती है। पर एक बात तो है, ओरियो जितना भी बड़ा हो गया हो लेकिन उसकी हाइट उतनी की उतनी ही होगी, क्योंकि बीगल डॉग ज्यादा हाइट में बढ़ते नहीं है ना। और तू पॉकेट, तू तो खा खा कर घोड़ा हो गया है। पता नहीं जब तुम दोनों एक दूसरे को मिलोगे तो पहचान भी पाओगे कि नहीं। आई लव यू माई क्यूटी पॉकेट, आई लव यू। आगे दोनों खेल के। हाँ मम्मी। आ जाओ। चलो पॉकेट। अरे यार क्या हुआ? अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड ने ना मुझे इंग्लिश में मैसेज भेजा है। हाँ? तुझे तो पता है ना मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? बस इतनी सी बात, तू ना डाउनलोड कर यू डिक्शनरी ऐप, उसके बाद सेटिंग्स में जाके मैजिक ट्रांसलेट फीचर को एनेबल करो, उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज पे जाकर क्लिक करो, वो वर्ड ना ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा। पर मेरा इंग्लिश में ग्रामर मिस्टेक्स भी हो जाता तो है। मैजिक फीचर पे क्लिक करो, सिलेक्ट ग्रामर ऑप्शन, देन इंग्लिश मैसेज पर लेकर आओ, इट विल करेक्ट द ग्रामर। और अब मैसेज लिख और यूज मैजिक ग्रामर और फिर भेज दो मैसेज। ये तो बहुत अच्छा ऐप है। हाँ फटाफट से ना यू डिक्शनरी ऐप को डाउनलोड कर और इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जा। हाँ, मैं इसे अभी डाउनलोड करूंगा। हेलो। हाय मनु भैया। हाय आशु, कैसे हो? ठीक हूँ। मुझे तुमसे एक काम था। हाँ बोलो ना भैया। वो क्या है ना, मेरा पुणे में इंटरव्यू है। हाँ। तो क्या तुम ओरियो को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख सकते हो? ओरियो? हेलो। लेकिन ओरियो। हेलो आशु। हाँ हाँ भैया। हाँ बोलो। क्या तुम कुछ दिनों के लिए ओरियो को अपने पास रख लोगे? हाँ ठीक है भैया, हम ओरियो को कुछ दिन अपने पास रख लेंगे। हाँ एक और बात थी, वो ओरियो की तबीयत ना कुछ ठीक नहीं है, क्या तुम उसकी देखभाल कर लोगे प्लीज? ठीक है भैया, हम उसकी देखभाल कर लेंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच आशु। हाँ ठीक है भैया, ओके बाय बाय। पॉकेट ओरियो आ रहा है, पता नहीं मम्मी का क्या रिएक्शन होगा जब मम्मी को पता चलेगा कि ओरियो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आ रहा है। आ गया बेटा। हाँ मम्मी। इतनी देर कहाँ लगा दी? ये सोचने में कि मैं आपको ओरियो के बारे में कैसे बताऊँ। क्या बेटा? मनुभी का फोन आया था, वो बोलते वो परसों ओरियो को लेकर आ रहे हैं, वो कुछ दिनों तक हमारे साथ रहेगा। क्या? मनुभी का फोन आया था, वो बोलते परसों ओरियो को लेकर आ रहे हैं, वो कुछ दिनों तक हमारे साथ रहेगा। मनु भैया का फोन आया था और वो बोल रहे थे कि वो परसों ओरियो को लेकर आ रहे हैं और ओरियो कुछ दिनों तक हमारे साथ रहेगा। नो बेटा नो, लास्ट टाइम दोनों को संभालना मुश्किल हो गया था, दिन में तारे नजर आ गए थे। अरे लेकिन मम्मी जब ओरियो चला गया था तो ओरियो और पॉकेट तो फ्रेंड्स बन गए थे ना, है ना पॉकेट? हाँ बिल्कुल नहीं बेटा, फिर से खूब लड़ेंगे दोनों। मम्मी
अगर दोनों लड़े ना इस बार तो मार मार के सीधा कर दूंगा दोनों। बिल्कुल नहीं बेटा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। अरे मैंने हाँ कब कहा? लेकिन मम्मी मुझे पता है आपके नाम में भी ना हाँ छुपा है। अरे मैं बस अभी चेंज करके आया। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। नमस्ते चाची जी। नमस्ते मन्नू बेटा, कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ चाची जी। वो ना मैं कुछ दिनों के लिए पुणे जा रहा हूँ और घर पर कोई नहीं है और मेरा इंटरव्यू के लिए जाना जरूरी है। मैंने आशु को बताया है, आशु बोल रहा था कि वो रख लेगा ओरियो को कुछ दिनों के लिए। प्लीज इसका ख्याल रखना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओरियो की तबीयत खराब है? हाँ मैंने बताया था। हाँ आपने बताया था। थैंक यू आशु, थैंक यू चाची जी। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ ओके भैया, बाय। वो ओरियो की दवाइयां हैं। ओके चाची जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बाय। ओरियो ओरियो की तबीयत ठीक नहीं है, इस लड़के ने बताया भी नहीं। बेटा ओरियो सो गया? हाँ मम्मी वो सो गया। ठीक है बेटा। पॉकेट तुझे बुरा लग रहा है ना कि ओरियो की तबीयत खराब है और उसके साथ तू खेल नहीं पा रहा? टेंशन मत ले, ये ना जल्दी ठीक हो जाएगा, फिर तुम दोनों ना खूब खेलना, खूब मस्ती करना। आशु बेटा। हाँ मम्मी। बेटा ओरियो की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसे बाहर घुमा ले आओ, उसे अच्छा लगेगा। फिर ओरियो के बाद पॉकेट को भी घुमा लाना। ठीक है मम्मी। क्या हुआ पॉकेट? पॉकेट उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है ना, इसलिए वो अभी तेरे साथ नहीं खेल रहा। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा ना तो उसके साथ खूब खेलना। हाँ आजा जगू। हाय आशु, ओरियो कैसा है? ओरियो अभी ठीक नहीं है जगू, मनु भैया ओरियो की दवाइयां भी देकर गए हैं लेकिन उन दवाइयों से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लगता है ओरियो को डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। हाँ आशु उसे डॉक्टर के पास जल्दी ले जाना। क्या हुआ पॉकेट? अरे जगू मैं बस अभी आया। ठीक है आशु। क्या हुआ पॉकेट? आशु बेटा क्या सोच रहे हो? मम्मी कल पॉकेट ने मुझे रूम में बुलाकर लेकर गया कि ओरियो उसके साथ खेल नहीं रहा है। जब मैंने रूम में आकर देखा तो ओरियो बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ था और कुछ खा भी नहीं रहा था। मम्मी मुझे ओरियो की हेल्थ को लेकर बहुत टेंशन हो रही है। बेटा एक काम करो, साक्षी दीदी को कॉल करके ओरियो के लिए अपॉइंटमेंट ले लो। ठीक है मम्मी मैं अभी फोन करता हूँ। हेलो साक्षी दीदी। हाँ आशु। मनु भैया ना उनके ओरियो को हमारे पास छोड़कर गए हैं,
और ओरियो की तबीयत ना बहुत खराब है, तो कल ना हम उसे आपके पास चेकअप के लिए लेकर आना चाहते हैं, तो आप कल की अपॉइंटमेंट दे सकते हो? हाँ ठीक है, तुम उसे लेके आ जाओ। ठीक है दीदी, हम उसे कल लेकर आते हैं। बाय बाय। आंटी, मैंने अभी इसे चेक किया है, अभी रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा इसे क्या हुआ है, तो फिलहाल तो आप इसे घर ले जाइए। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना, मैं घर आ जाऊंगी। ओके साक्षी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मनु भैया का फोन। हाय मनु भैया। हाय आशु, ओरियो कैसा है अब? ओरियो की तबीयत पहले से ठीक है भैया, आप उसकी टेंशन मत लो, आप ना अपने इंटरव्यू पे ध्यान दो, मम्मी और मैं उसका ख्याल रख रहे हैं। भैया ऑल द बेस्ट है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके आशु, बाय बाय। मैं मनु भैया को कैसे बताऊं कि ओरियो की तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं आया है। बेटा मैंने भी इसे खिलाने की कोशिश की थी, पर इसने खाया नहीं। पॉकेट, तू तो खा ले। जब तक ओरियो नहीं खाएगा तब तक पॉकेट भी नहीं खाने वाला। ओरियो तो गरम लग रहा है। हेलो साक्षी दीदी। हाँ, आप प्लीज अभी ओरियो को चेक करने के लिए आ सकते हो घर पे, उसकी तबीयत ना थोड़ी खराब लग रही है। मैं 3 बजे के बाद फ्री हूँ, तब आती। थैंक यू दीदी। आंटी से खाने का ध्यान रखना, वरना ही कमजोर हो जाएगा। ठीक है साक्षी। भैया का दिल रखने के लिए तो मैंने कह दिया कि ओरियो पहले से बेहतर है, लेकिन उसकी तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं आया है। ओरियो, तुझे जल्द से जल्द ठीक होना होगा। अगर तू खाना नहीं खाता तो पॉकेट भी नहीं खाता। अगर तू उदास रहता है तो पॉकेट भी रहता है। पॉकेट हमेशा तेरे आसपास रहता है ये देखने के लिए कि तू ठीक है कि नहीं। ओरियो, तुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए जल्द से जल्द ठीक होना होगा, क्योंकि पॉकेट लव्स ओरियो एंड ओरियो लव्स पॉकेट, है ना?
आशु बेटा, देखना ये खाता है या नहीं। धीरे धीरे ओरियो ने खाना खाना शुरू कर दिया। अपने बेस्ट फ्रेंड को खाते देख पॉकेट भी खाना खाने लगा। हमारे प्यार और देखभाल की वजह से ओरियो की तबीयत में सुधार आने लगा और वो पहले जैसे उछलने कूदने लगा। ओरियो को खुश देख पॉकेट भी बहुत खुश था। हाँ मनु भैया। आशु, मैं ओरियो को 5 बजे लेने आ रहा हूँ। ठीक है भैया, बाय बाय। मम्मी, मनु भैया ओरियो को 5 बजे लेने आ रहे हैं। अच्छा। हाँ। लगता है मनु भैया आ गए। ओरियो, अब तेरे जाने का टाइम आ गया है। पॉकेट, चल ओरियो को ना बाय करने चलते हैं। चल, हैप्पी स्माइल के साथ। ओरियो, भैया आ गए हैं, जा। भैया को देखकर कितना खुश हो गया ये। हाँ बेटा, बहुत दिनों बाद जो मिल रहा है मम्मी। हाँ से। थैंक यू सो मच, आपने ओरियो का इतना ध्यान रखा। यू वेलकम भैया। अब हम चलते हैं। हाँ, बाय ओरियो। बाय। पॉकेट ओरियो को गाड़ी में जाते हुए देख रहा है मम्मी। बेस्ट फ्रेंड जो है उसका। चलो पॉकेट, खाना खा लो। अच्छा हुआ कि भैया के आने से पहले ही ओरियो ठीक हो गया। एंड थैंक यू पॉकेट कि तूने ओरियो को तंग नहीं किया और उसको पूरा रेस्ट करने दिया। इसी की वजह से ना वो जल्दी ठीक हो पाया है, इसलिए तुझे ट्रीट तो बनती है। मुझे पता है पॉकेट, तुझे बुरा लग रहा है ना कि इस बार वो तेरे साथ अच्छे से खेल नहीं पाया। बट डोंट वरी, ओरियो ना तुझसे मिलने जल्दी वापिस आएगा, फिर तू ना उसके साथ जी भर के खेलना। फटाफट से मोहक मीट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे पॉकेट और ओरियो की जोड़ी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड डाउनलोड करें यू डिक्शनरी ऐप, जिसकी मैजिक ट्रांसलेट फीचर के साथ आप कोई भी वर्ड ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर सकते हैं। यू डिक्शनरी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें टू मोहक मीट।